हरियाणा की सियासत में मंगलवार को बड़ा बदलाव देखने मिला। मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नायब सिंह सैनी को हरियाणा के सीएम पद की शपथ दिला दी गई। शपथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल खट्टर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान दिलचस्प बात यह रही कि जेजेपी के भी चार विधायक देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह जोगीराम, रामनिवास शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहीं अनिल विज इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने, दूरी बनाए रखे। उन्होंने पार्टी आलाकमान से साफ कह दिया था कि वो अपने जूनियर के साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए बैठक से भी वो उठकर चले गए थे। सूत्रों ने यह भी कहा कि कुछ विवाद बैठक में भी हुआ था। बहरहाल सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने राज्य में बीजेपी और पिछड़ा वोट बैंक ओबीसी पर पकड़ मजबूत की है, जबकि पार्टी को इसका दूसरा लाभ उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी मिल सकता है, ऐसी तैयारी है। यूपी में पिछड़ों का अच्छा खासा वोट बैंक है। सपा यानी समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की सियासत के साथ आगे बढ़ रही है। इस दिशा में बीजेपी का ये बड़ा दाव माना जा रहा है। हाल में ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के यादव समुदाय और पिछड़ों के साथ तालमेल बढ़ाना शुरू किया था। नायब सिंह सैनी को राज्य के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है। साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था और वो संसद पहुंचे थे। बीजेपी ने सैनी को 2023 में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी थी। ज्यादातर कार्यक्रमों में वो खट्टर के साथ ही देखे जाते रहे। सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं और बीजेपी के प्रमुख नेता हैं। सैनी संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। साल 1996 में सैनी को राज्य में बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद 2002 में सैनी भाजपा युवा मोर्चा का जिला महामंत्री भी बनाए गए थे। 2012 में सैनी को अंबाला बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद सैनी का प्रमोशन होता चला गया। वो 2014 में नारायणगढ़ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। साल 2016 में सैनी को खट्टर सरकार में राज्य मंत्री बना दिया गया था। दरअसल जेजेपी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 1 से 2 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन सभी 10 सीटों पर खुद लड़ने के पक्ष में। यही गठबंधन टूटने की वजह बनी। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी थी। दरअसल हरियाणा में बदलाव की बात एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो गई थी। सूत्र कह रहे थे कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई और उस बैठक में हरियाणा के सियासी हालात पर चर्चा हुई थी। उस बैठक में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कि ये बताया गया था कि हरियाणा का जाट समुदाय मनोहर लाल खट्टर के साथ नहीं है। रिपोर्ट के जरिए ये भी कहा गया कि अगर मनोहर लाल खट्टर आगे के पद पर रहते हैं तो ये मुमकिन है कि जाट वोटर्स एकजुट हो जाएं और कांग्रेस के पक्ष में वोट चला जाए। ऐसे में पार्टी का खामियाजा उल्टा पड़ सकता है। इसी रिपोर्ट के बाद रणनीति बननी शुरू हुई और आखिर में मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा दिया गया। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सोमवार की देर शाम ही अर्जुन मुंडा जो कि पर्यवेक्षक हैं चंडीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने तरुण चुग से ये कहा था कि आपको चंडीगढ़ जाना होगा, वहां विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक में जब वो पहुंचते हैं तो उनसे कहा गया कि मुख्यमंत्री नया चुना जाएगा। और इसी के बाद हरियाणा में खट्टर का चैप्टर खत्म होता है और सैनी का चैप्टर शुरू होता है। नायब सिंह सैनी लगातार संघ के कार्यक्रमों में एक्टिव रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि संघ से आती है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर के लगभग सभी कार्यक्रम में वो दिखाई पड़ते हैं और उनका ये जेस्चर कि मनोहर लाल खट्टर के चरण स्पर्श करने के बाद, पैर छूने के बाद, वो शपथ लेने के बाद उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं मंच पर ही, निश्चित तौर पर बहुत सारे संकेत ये देता है। जिस तरीके से विपक्षी लगातार हमलावर हैं कि ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के तहत वोट काटने के लिहाज से जेजेपी को अलग रखा गया है। एक बार फिर बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इसे बिहार से चिराग पासवान से जोड़कर देख रहे हैं। कई इसे गुजरात में चुनाव से ठीक पहले पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री बदलने के लिहाज से देख रहे हैं। बात चाहे जो भी हो, लोकसभा चुनाव से पहले निश्चित ही बीजेपी ने यह बड़ा प्रयोग किया है हरियाणा में। अब इसका कितना फायदा जाट और गैर जाट वोटर्स को लुभाने के लिहाज से जो किया गया है उस पर पड़ेगा ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। 10 सीटें हैं हरियाणा में, देखना यह है कि ये प्रयोग कितना सफल होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।